नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों के फ़ोन पे भी दिक्कत हो रही है? तो आपको जैसा दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे बैलेंस चेक करने जाता हूँ, तो बैलेंस चेक करने पर यहाँ पे जो मुझे ऑप्शन नहीं मिलता है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैंक स्टेटमेंट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी ऑप्शन नहीं खुलता है। यहाँ पर UPI लाइट पर तो ऑप्शन खुलता है, बाकी ऐड अकाउंट पर करता हूँ तो इस पर भी कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ घूमता ही रहता है लट्टू सा। उसके बाद आपको बैग आना है, और बैग आके मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो फ़ोनपे है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर अगर स्टोरी पर क्लिक करता हूँ तो स्टोरी पर क्लिक करने के बाद भी मेरा कोई भी जो है यहाँ पे हिस्ट्री नहीं आ रहा है, यानी कि मेरा पेमेंट तक का कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आपको यहाँ पे दिखाया मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज पे भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब आपको बैक आना है, और बैक आके जो है आपको सब कुछ बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे मेरा जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल पर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब मैं आपको उसका बहुत ही सिंपल और सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल 100% सोल्व हो जाएगी। अब आपको करना क्या, सबसे पहले आपको फोन पर क्लिक करके रखना है, और यहाँ पर लिखा होगा ऐप इन्फो, इस पर क्लिक कर देना होगा। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा क्लियर डाटा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके यहाँ पर देखा क्लियर ऑल डाटा, इस पर ही क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाएगा आपको ओके, आपको यहाँ पे जो है ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद आपको जो फोन पे है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और काम करने भी लगेगा 100%। आपको जो है अपने फोन पे पर वापस से आ जाना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे फोन पे पर क्लिक करता हूँ। अब जिस नंबर से आप फोन पे चला रहे थे, वापस से आपको जो है उस फोन पे का नंबर जो है यहाँ पर डालना होगा। तो मेरा पहले से लॉगिन था, तो मेरा जो नंबर है यहाँ पे सबसे पहले आ चुका है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको समझ जाए यहाँ पर OTP मांगेगा, या तो आपके फ़ोन में जो OTP आया वो अपने आप ही यहाँ पर भर जाएगा, या आपको वो फ़ोन में से OTP देख करके यहाँ पर भर लेना है, तो आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। अब आपके फ़ोन में जो OTP नहीं आया होगा तो आपको कुछ नहीं करना, दोबारा से जो है ट्राई अनदर वे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे ना इस ऑप्शन पर, तो आपका जो OTP है वो आपके फ़ोन में दोबारा से आ जाएगा। अब उस OTP को आपको यहाँ पर लिख लेना है, जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके भरने के बाद तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक भर जाएगा। जैसे जिनका अपने आप नहीं भरता है उनको जो है उन OTP को देख करके यहाँ पे भर लेना है, और अपने आप प्रोसेस कर देना है, वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपको जो है इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो अलाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अलाउ कर देना है पहले वाले पर। इसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और यहाँ पर जो मेरा फ़ोन पे चालू हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको अलाउ का ऑप्शन आएगा, फिर से आपको अलाउ कर देना है, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट है तो इसका भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन खुलेगा, आपको यहाँ पे जो टिक दिखाई दे रहा है खाना सा, इस पर टिक करना है, यहाँ पर कैंसिल कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपने यदि किसी का बिल जमा करा होगा तो यहाँ पे आ रहा होगा। अब आप यदि उसको डिसलाइन कर देंगे तो डिसलाइन करने पर ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इसको कैंसिल कर देना है, और यहाँ पर आपको जो है इसका लेटर कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको इस तरीके से कर देना है। इसके बाद आपको गेट इट कर देना है, यहाँ पर आपको दोबारा से दिखाई देगा किसी और का जमा करा होगा तो भी आएगा, यहाँ पे गेट इट कर देना है। अब आपका जो फ़ोन पे है वो यहाँ पर बिल्कुल चालू हो चुका है। यदि आप यहाँ पर बैलेंस चेक करने जाएंगे अपना चेक बैलेंस पर, तो यहाँ पर आपको जो है ऊपर सबसे ऊपर दिखाई देगा इंडियन बैंक, यदि आपका कोई दूसरा बैंक है तो वहाँ पर दूसरा बैंक लिखा हुआ आएगा। अब आपको जो है उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि बैलेंस चेक करने के लिए आपको सामने पासवर्ड मांगता है। उसको पासवर्ड को देने के बाद इस तरीके का डमरू घूमेगा, और यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा मेरा जो यहाँ पर बैलेंस था, पहले नहीं दिखा रहा था लेकिन अब दिखा दिया है। अब आप रिचार्ज पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा मोबाइल रिचार्ज, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो कॉन्टैक्ट है वो फिर से आ जाएंगे, जिसको आपने रिचार्ज करा था वो सब नंबर यहाँ पे आ रहे होंगे। अब आपको बैक आना, और यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में लिखा जाएगा हिस्ट्री नीचे, आपको जो इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जो आपका पेमेंट हुआ है, लेन देन हुआ है, जितना भी आपका अब तक का लेन देन हुआ होगा सब यहाँ पे आपको सामने आ रहा होगा। अब आपको फिर से बैक करना है, और यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर लिखा है एड्रेस, आपको जो है इस फोटो पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अपनी प्रोफाइल पर, यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, आपने जो नाम गे रखा वो भी दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर नीचे भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है, आपकी जो पूरी डिटेल थी यहाँ पे आ चुकी है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, और ना ही आपका कुछ क्लियर डाटा हुआ है। अब जो भाई शुरू में डर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि उनका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, और उनका फोन पे जो है चालू हो जाएगा। आपको प्रॉब्लम वाली कोई दिक्कत नहीं, आपका सब कुछ यहाँ पर सेव रहता है फोन पे पर। और यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है फोन पे चालू करने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें।